रिसेंटली एशिया कप की समाप्ति हुई, मेंस टूर्नामेंट वो जरूर था, टीम इंडिया हारी, श्रीलंकन टीम जीती, लेकिन अब हमारी इंडियन वुमेन्स टीम से काफी ज्यादा आशाएं रहेंगी क्योंकि 1 अक्टूबर से वुमेन्स एशिया कप की शुरुआत बांग्लादेश में हो रही है, 16 अक्टूबर को फाइनल रहेगा, 7 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। क्या भारत जीत पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टूर्नामेंट भारत ने जीते हैं यार, पिछली बार बांग्लादेश जीता था। तो पूरी डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर बिना किसी देरी के। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए अब बात करते हैं यार क्या कुछ हिसाब किताब रहने वाला है इस पूरे टूर्नामेंट का। अब देखिए, भारत तो जरूर एक प्रबल दावेदार है इस पूरे टूर्नामेंट का, क्योंकि अब तक 7 बार ये टूर्नामेंट खेला गया है। पहली दफा 2004 में खेला गया था, तब से शुरुआत हुई थी और टीम इंडिया 6 बार जीती है टूर्नामेंट। जी हाँ, 7 में से 6 बार हमारी टीम ने जीता है। पिछली बार ही बांग्लादेश जरूर जीत गया था, हमको ही हराया था फाइनल में, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडियन टीम के पास बड़ा ज़बरदस्त मौका है। टीम भी हमारी बहुत ज़्यादा तगड़ी है और उम्मीद करेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं इस बार ही कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा करके आए। सिल्वर हम जरूर जीते, कड़ी टक्कर हमने ऑस्ट्रेलिया को जरूर दी थी, लेकिन इस बार 7 टीमें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और उनके साथ साथ थाईलैंड, मलेशिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये काफ़ी दिलचस्प टूर्नामेंट हो जाता है। स्पेशली थाईलैंड जैसे मुल्क, मलेशिया और यूएई, जहां पे क्रिकेट धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, अच्छा रहेगा जब वुमेन्स टीम भी इस तरीके से टूर्नामेंट में आगे कंपीट करेंगी। और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि बांग्लादेश की पिचेस पे टूर्नामेंट हो रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से कॉम्बिनेशंस जो हैं टीम्स लेके आती हैं। टीम इंडिया की बात करें तो हमारी टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है, इंग्लैंड में हमने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है यार, और एक बार फिर से उम्मीद रहेगी कि हम एशिया के ज़रूर विजेता बने, ज़रूर आगे वर्ल्ड कप्स हैं, काफ़ी टूर्नामेंट हमने खेले, लेकिन जो मेंस टीम ने नहीं किया इस साल, उम्मीद करेंगे कि वो ज़रूर इंडियन वुमेन्स टीम करे। आप लोगों की क्या कुछ उम्मीदें ज़रूर कॉमेंट करके बताइए। एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपको लगातार स्पोर्ट्स ट्रैकर के द्वारा मिलती रहेंगी, इसलिए हम कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो जरूर करो, और साथ ही साथ टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक, यहाँ पे भी प्यार बरसाते रहो। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।